अस्सलाम अलैकुम। जी परिस्तान की शहज़ादी के आखिर में जो उस क्राम के लिए हदायत दी गई हैं तो आइए उनके मुतलक बात करते हैं सबसे पहले जो जिसके बारे में तलबा को आगाह करने के लिए कहा गया है वो है तलबा को दास्तान नावल और मुख्तर अफसाने से मुतारफ़ कराया जाए तो आइए मैं आपको तीनों की अलग अलग जो है वो तारीफ़ बता देती हूँ ताकि आपको भी समझने में आसानी हो दास्तान से मुराद हकायत कहानी या किस्सा के हैं अदबी अलाह में दास्तान से मुराद ऐसी कहानी होती है जो माफोकफ़रत अनासर पर मुश्तमिल हो जिसकी सरजमीन अजनबी फ़ा तलिसमाती और माहौल तैयलाती हो ये कहानी की सबसे कदीम और अवलिन किस्म है यानी इसमें माफोकुल फितरत यानी परियों के बारे में जन्ात के बारे में और इस तरह की मखलूक के बारे में बात की जाती है और ये जब आगाज़ हुआ था कहानियाँ लिखने का तो ये सबसे अवलिन और पुरानी किस्म है जो दास्तान है नावल क्या होता है नावल जो है वो अतालवी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी अनोखा निराला और अजीब के हैं अदबी इस में नावल से मुराद वो किस्सा या कहानी के हैं जिसका मौजू इंसानी ज़िंदगी हो और नावल नगार ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का गहरा मुशाह करने के बाद अपने तजर्बा और मुशाहदाद को तखयाती और तख्लीकी ख़ास तरतीब से पेश कर यानी नावल जो है इसका मौजू इंसानी ज़िंदगी होता है और जो लिखने वाला है वो ज़िंदगी के मुख्त पहलुओं का मुशाह करने के बाद अपने तजुर्बात जो है और मुशाहदात वो बयान करता है अफसाना अफसाना किसे कहते हैं अफ़साना जदीद दौर की पैदावार है आज के तेज़ रफ़्तार दौर में किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो जखीम किताबों का मुताे कर सके यानी मोटी मोटी और बड़ी बड़ी किताबें लाइब्रेरी से ढूंढ के और उनके बारे में और लंबे चौड़े नावल या दास्तानें पढ़ना इसका किसी के पास टाइम नहीं है तो इसलिए अपनी इलमी और मुतालती प्यास बुझाने के लिए अफसाने का सहारा लेते हैं अफसाने में बुनियादी अहमियत वहदत तासर को हासिल है यानी एक यानी मुख्तर से जो है उसको बयान किया जाता है वहदत एक को एक तासर ख्वा किसी का हो अपने ऊपर मुसलत करके इस अंदाज़ में बयान करना कि पढ़ने वाले पर भी वही असर मुरतब हो उमदा अफसाने की पहचान है मगर शर्त ये है कि ज़िंदगी को जैसे का तैसा पेश किया जाए यानी जो असल तस्वीर है ज़िंदगी की वो पेश की जाए और अफसाना जो है वो तकरीबन एक किरदार के गर्द ही घूमे तो अगला है तलबा को बताया जाए कि मज़मून की शहजादी दास्तान है या नावल मुख्तर अफसाना है या सिंफ नसर की कोई और किस्म है और क्यों तो प्रस्तान की शहजादी जो है वो दास्तान है दास्तान से मुराद ऐसी कहानी होती है जो माफोकफरत नसर पर मुश्तमिल हो तो दास्तान में किसी सरज़मीन की अजनबी फ़जा और तलस्माती माहौल को बयान किया गया जाता है और इसलिए है क्योंकि जो अशरफ़ सबूही हैं साहब तर्ज अदीब थे उर्दू ज़ुबान खूस दिल्ली के मुख्त तबकों की बोल चाल और वहाँ के रोज़मर्रा और मुहावरे पर इन्हें पूरी गिरफ़्त थी तो उन्होंने बहुत तसानीफ़ जो हैं उनकी काफ़ी मशहूर हैं जिनमें चंद अजीब हस्तियाँ गुब्बारे कारवां झरोके इस तरह से शामिल हैं तो उन्होंने इस दास्तान को लिखा है अगला है अशरफ़ सबूही के सवानी हालात तर्ज़ तहरीर और उनकी कहानियों और खाकों पर मुश्तमिल कुतुब से मुतारफ़ कराया जाए तो उन्होंने पूछा है कि इसके जो मुसनफ़ हैं उनके अपने हालात ज़िंदगी के मुतलक उनकी तसानीफ के मुतल बताना है तो ये सबसे बेहतरीन आपके पास आपके सिलेबस में ही आपके इसी लेसन के शुरू में अशरफ सबूही का जो के मुतल जो उनके हालात ज़िंदगी दिए गए हैं आप ये मुकम्मल बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से इनको बयान कर सकते हैं जैसे अशरफ सबूही का असल नाम सैद बली अशरफ अशरफ और कलमी नाम अशरफ सबूही था आप दिल्ली में पैदा हुए इब्तदाई तालीम घर पर हुई 1922 में एंग्लो अरबिक हाई स्कूल दिल्ली से मेट्रिक का इम्तहान पास किया मरूफ अदीब शाहद शाहिद अहमद दहलवी उनके हम जमात थे अशरफ सबूही महकमा डाक उतार में मुलाजिम रहे बाद में ऑल इंडिया रेडियो से वस्ता हो गए क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर आ गए उन्नीस में मुलाजमत से सबकदोश हो गए और हमदर्दवाखाना के शोबा मतबूआत से वास्तगी अख्तियार कर ली अशरफ सबूही एक साहब तर्ज अदीब थे उर्दू ज़ुबान खूस दिल्ली के मुख्त तबकों की बोल चाल और वहाँ के रोज़मर्रा और मुहावरे पर पूरी गिरफ्त रखते थे उन्होंने बच्चों के लिए कहानियों की दर्जन भर किताबें भी लिखीं जो बहुत मकबूल हुईं उनकी तसानीफ में दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ गुब्बारे कारवां झरोके सलमा और बिन बासी देवी शामिल हैं अशरफ सबूही ने चंद अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू तर्जमा भी किया तो ये है आज की वीडियो जो टीचर्स के लिए है मेरे काबिल अहतरासा के लिए तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी इन शुक्रिया अल्लाह हाफिज़